तो दोस्तों, अगर आपको इस बार सा मेल मिल चुका है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मेल जो है ये फेसबुक की तरफ से मिलता है, मतलब आईडी अपलोड कर देने के बाद, और ये जो मेल मिलता है इसमें आपको रिकवरी लिंक मिल जाएगा, और ये रिकवरी मेल लिंक के थ्रू आप अपने अकाउंट में वापस जा सकते हैं या फिर अपना अकाउंट को रिकवरी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेल मिल चुका है तो फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, बस आपको फॉलो करना है। और आपको अभी तक ये मेल नहीं मिला है या फिर कुछ मतलब कोई दूसरा क्या का मेल मिला है, तो फिर कैसे इस बार से मेल मिलेगा वो जानने के लिए दोस्तों, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, तो वो जाके पहले देखिए, फिर आके ये वीडियो को फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मोबाइल स्क्रीन का कि कैसे इस लिंक के माध्यम से हम हमारा अकाउंट को रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो लिंक मिल जाएगा, पहले ऊपर वाला ये लिंक और दूसरा ये लिंक। तो आपको ये दोनों में से एक लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब इसका ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा पासवर्ड की तरह। मतलब आपको पासवर्ड नहीं डालना है, आपको यहाँ पे ये जो कोड है आपको ये कोड लेकर मतलब पासवर्ड की जगह डालना है। अगर आप ये ऊपर वाला लिंक क्लिक करते हैं, मतलब ये वाला लिंक, तो फिर आपको पासवर्ड की जरूरत मतलब ये जो कोड की जरूरत नहीं है, आप अपना आईडी और पासवर्ड दे के लॉगिन हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे आपको इस पर से मेल मिल जाएगा तो दोस्तों जल्दी नहीं होना है आपको, मतलब धीरज रख के ही करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा गलती कर देंगे तो फिर आपको बार बार मतलब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये लिंक जो है, अगर आप दो तीन बार मतलब ऐसे गलत कुछ कर देंगे तो फिर ये लिंक भी काम करना बंद कर देगा, और आप जो है अपना अकाउंट में मतलब वापस नहीं जा सकते। इसीलिए पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए, और मैं जैसे ही यहाँ पर कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। अगर आप थोड़ा सा मतलब अलग सा कर देंगे तो फिर आपका जो अकाउंट है आप अकाउंट में लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो बाकी ये जो लिंक है ये 4-5 दिन के लिए मतलब उसका एक्सपायर डेट रहता है, उसके बाद जाकर मतलब ये जो लिंक है इस पर होगा। तो इसलिए आपको आराम से धीरे धीरे रख कर काम करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं होना है। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो लिंक है आपको उसका ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको आपका जो क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे होंगे वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, या फिर आपको इस पर ऑप्शन दिखा देगा। तो आपको बस ब्राउज़र में ओपन करना है। ब्राउज़र में आप जैसे ओपन करेंगे तो फिर जो है आपको डायरेक्टली मतलब इस पर दिखाई देगा, आपको इस पर से दिखाई दे सकता है या फिर आपको आईडी और पासवर्ड मांग सकता है। अगर आपको आईडी और पासवर्ड मांगता है तो फिर आपको आईडी और पासवर्ड दे देना है, और आईडी और पासवर्ड दे देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस पर से आ जाएगा, लिखा हुआ कि इफ़ यू सेव दिस ब्राउजर यू वोंट हैव टू एंटर ए कोड व्हेन यू लॉग इन फ्रॉम दिस ब्राउजर अगेन। तो यहाँ पर दोस्तों आप सेव ब्राउजर का ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर डोंट सेव का ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप वो ब्राउज़र में दूसरे टाइम जो है अपना अकाउंट में लॉगिन होना है आपको ब्राउज़र में, तो फिर आप ये ब्राउज़र मतलब सेव ब्राउज़र का ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सेव करना है, नहीं भाई ये इस ब्राउज़र में मुझे ओपन ही नहीं करना है, तो फिर आप डोंट सेव का ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको कंटिन्यू का ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू का ऊपर क्लिक करने के बाद जिस नंबर से आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किए होंगे वो नंबर इस पर शो करेगा कि योर लॉगिन कोड्स आर सेंड दिस नंबर, डू यू स्टिल हैव एक्सेस टू दिस नंबर। तो आपको इस वर्षा नंबर शो करेगा और बोले कि क्या अभी भी आपके पास वो जो ये जो नंबर है अभी भी है, एक्टिव है। अगर आपके पास अभी भी वो नंबर है तो फिर आप एस का ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं है, मान लीजिए आपका जो नंबर है वो अभी नहीं है, किसी कारण से वो जो नंबर है कहीं पर खो गया है, फिर बंद हो गया है, तो फिर आपको यहाँ पर सिंपल सा नो का ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास है फिर मतलब आपको कोड वगैरह कुछ रिसीव नहीं हो पा रहा है तो फिर आप नो का ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपल नो का ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ, आप भी ऐसा कर दीजिए। फिर आप बाद में किसी दूसरे नंबर सेट कर सकते हैं या फिर वही सेम नंबर भी सेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर इस बार सा दिखा दिया कि मतलब आपका जो अकाउंट है वो अनलॉक्ड हो गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं योर अकाउंट इज़ अनलॉक्ड। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग से बता रहा था कि मतलब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जो मतलब ये जो ऑप्शन है इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ऑफ करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे टर्न ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये जो ऑप्शन है आपको उसका ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये ऑफ हो जाएगा। फिर दोस्तों ओके का ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों ओके का ऊपर जैसा आप क्लिक करेंगे फिर जो है आपका फेसबुक अकाउंट इस वर्ष ओपन हो जाएगा विदाउट लॉगिन कोड। आपको लॉगिन कोड और नहीं देना पड़ेगा, आपका जो अकाउंट है वो इस वर्ष ओपन हो जाएगा, और फिर जो है आप अपना मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है फिर से इनेबल कर सकते हैं।
आप चाहे फिर से इनेबल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा जो अकाउंट है वो सिक्योरिटी उसमें रहना चाहिए, तो फिर आप उसको सिंपल सा इनेबल भी कर सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। एक अच्छा सिक्योरिटी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगना चाहिए, ये एक अच्छा सिक्योरिटी है। अगर आप लगा देंगे तो फिर आपका अकाउंट को कोई भी नहीं ले सकता है। अगर किसी को पासवर्ड और आईडी पता भी हो तो भी मतलब आपका जो अकाउंट को कोई भी नहीं ले सकता है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखा देगा, तो आपको सेटिंग का ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि मतलब आप ऑन कर सके या फिर ऑफ भी कर सके। अगर आपको ऑन नहीं करना है तो फिर आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं और जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है तो फिर ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल से आपको सेटिंग के ऊपर जाना है। सेटिंग के बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन करके यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा देगा, तो आपको सिंपली उसका ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आपको दोस्तों यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सारे यहाँ पे इस पर से दिखा देगा। तो याद रखिए अगर आप ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो फिर याद रखिए अगर मतलब कभी भी आपका मोबाइल को चेंज करना पड़े या फिर किसी भी कारण से मतलब आपको मोबाइल को रीसेट करना पड़े तो उससे पहले आपको ये चीज़ ऑफ करना है, मतलब ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन को ये जो आपने लॉगिन होंगे उसका आपको डिसेबल करना है। अगर वो रह गया होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको अकाउंट में मतलब वापस दोबारा एक्सेस पाने के लिए आपका अकाउंट का। तो इसलिए दोस्तों आपको ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन दोस्तों कभी भी ना करें। अगर करते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अगर नहीं चल पाएंगे तो फिर आप कभी भी मत कीजिए। और बाकी रहा ये जो टेस्ट मैसेज वाला ये सबसे बढ़िया है, मतलब मोबाइल में जो कोड जाता है ये सबसे बढ़िया है। और ये सिक्योरिटी की वाला जो ऑप्शन है सिक्योरिटी की भी दोस्तों ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप इसे संभाल के रख पाएंगे तो फिर बढ़िया है, अगर नहीं रख पाएंगे और कहीं पे मतलब मोबाइल खरीदते हैं या फिर किसी वक्त मतलब आपको अपना मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है तो फिर आपको ये चीज़ जो है आपको मतलब ये चीज़ बहुत ही आपको मतलब दिक्कत देगा रिकवरी करने में। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे बढ़िया है टेस्ट मैसेज वाला, तो आपको टेस्ट मैसेज जो सेटिंग है आपको कर देना है। तो जैसा आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे अपना नंबर मांगेगा। अगर आपने ऑलरेडी नंबर डाले होंगे पहले से आपको इस पर से ऑप्शन सारे दिखाई देगा, तो आपको न्यू नंबर डालना है तो फिर आठ फोन नंबर का ऊपर क्लिक करके एक न्यू नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको वही सेम नंबर डालना है तो फिर आपको वही सेम नंबर का ऊपर सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू का ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू का ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो नंबर पर कन्फर्मेशन कोड आ जाएगा, तो वो कोड को लाकर दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे मिल चुका है कन्फर्मेशन कोड, तो कन्फर्मेशन कोड मिल जाने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू का ऊपर बस क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल हो जाएगा। हो जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से डाउन कर देना है। डाउन हो जाने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट में मतलब फुली सिक्योरिटी लग जाएगा और कोई भी आपका अकाउंट को मतलब ले नहीं पाएगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड मांग सकता है, और पासवर्ड मांगता है तो फिर आपको एक बार कन्फर्मेशन के लिए दे देना है, पासवर्ड डाल देना है और कंटिन्यू का ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू का ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपका सारा काम हो जाएगा, मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस पर वीडियो आगे भी मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।